टाइम सबको पढ़ाएंगे। तो हमारा आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम, हिंदी में इसको हम बच्चों कहते हैं संख्या पद्धति। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि संख्या पद्धति, संख्याओं का ऑर्डर हम सीखने वाले हैं, संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हम संख्याओं को किस प्रकार से नाम देते हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। लास्ट में बच्चों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने ये सब आपको क्यों सिखाया। क्लियर है? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर संख्या की बात आई है तो हमें मालूम होना चाहिए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं। तो जैसे कि बच्चों मैंने कहा ये 29, ये क्या है, ये एक संख्या है, ये क्या है, एक संख्या है। मैंने लिखा 235, ये क्या है, ये एक संख्या है, ये क्या है, एक संख्या है। अगर मैं बात करूं कि इसमें ये दो क्या है, दो एक अंक है, तीन क्या है, तीन एक अंक है, पांच क्या है, पांच एक अंक है। अंक में और संख्या में यही फर्क होता है बच्चों कि एक सिंगल डिजिट को क्या पढ़ते हैं, अंक पढ़ते हैं, और दो अंकों से या तीन अंकों से जो नंबर बनी है उसको संख्या कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब मैं बात करूं कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम डिजिट भी कह सकते हैं और संख्या भी कह सकते हैं, जैसे एक, एक अपने आप में संख्या भी है और ये अंक भी है, क्योंकि एक ही अंक की संख्या है। एक को हम डिजिट भी कह सकते हैं, अंक मतलब डिजिट, संख्या मतलब नंबर। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अपने आप में डिजिट भी हैं और संख्या भी हैं? तो ऐसे बच्चों कुल 9 संख्याएं हैं, जीरो को मिला के आप 10 कह सकते हो, 0, 1, 2, 9। 0 से लेके 9 तक ये ऐसी संख्याएं हैं बच्चों जिनको हम डिजिट यानी कि अंक भी कह सकते हैं और संख्या भी कह सकते हैं। तो क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब मैं आपको शुरू कराता हूं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं बच्चों होती हैं, संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक कहें या आभासी कहें, यानी इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। तो मुख्य रूप से संख्या बच्चों कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक मतलब रियल नंबर और काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। अब रियल और इमेजिनरी फर्क क्या है हमेशा? तो फर्क इतना है कि जो वास्तविक संख्या होती है हम जिन संख्याओं का अध्ययन करते हैं अथवा उपयोग में लाते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों जितनी भी संख्याएं हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं पढ़ने में, लिखने में, हिसाब किताब करने में, जितनी भी संख्याओं का हम यूज करते हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, 1/2 है, 5 है, -7 है, 11 है,
अंडर रूट में चार है, अंडर रूट में पांच है। ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं बच्चों? ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। या कोई भी पॉइंट वाला नंबर ले लो, 0.34 है, 7.29 है। ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? सभी वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक। कहने का मतलब बच्चों सिर्फ इतना सा है कि हम अपने रियल लाइफ में जितनी भी नंबर्स को पढ़ते हैं, जितनी भी नंबर्स का हम यूज करते हैं, वो सभी नंबर्स रियल नंबर कहलाती हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है कि सब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, फिर इनको हम नहीं पढ़ते क्या? तो हाँ बच्चों, बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो आई के फॉर्म में होती हैं, जो आई के फॉर्म में होती हैं, आई के फॉर्म में होती हैं। अब कुछ बच्चों का ये भी डाउट होगा, आई के फॉर्म में कैसे होती हैं? तो ऐसे होती हैं बच्चों, 3i या 4+7i, इस प्रकार से ये संख्याएं डिनोट होती हैं। आई फोर इमेजिनरी होता है। अच्छा, आई का मतलब क्या होता है? तो आई फोर होता है आयोटा। आई फोर क्या होता है? आयोटा होता है। और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है बच्चों माइनस के 1। अगर इधर से स्क्वायर हटा दें तो माइनस के 1, रूट के अंदर माइनस 1, यानी आई का वैल्यू होता है रूट के अंदर माइनस 1। अच्छा बच्चों, अब मैं छोटी सी चीज आपसे पूछूंगा। अगर मुझसे कहा जाए कि मुझे 1 का स्क्वायर रूट निकालना है वर्गमूल, तो मैं 1 का वर्गमूल कह दूंगा 1, लेकिन माइनस 1 का वर्गमूल बच्चों क्या होगा? तो माइनस 1 का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस की है तो उसका हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि सर हम तो कर सकते हैं, तो आइए बच्चों मैं समझा देता हूं आपको। इधर जैसे मैंने माइनस का 1 ले लिया रूट के अंदर, आप कहते हो कि इसका वर्गमूल सर 1 होगा, इसका वर्गमूल माइनस के 1 होगा। तो अगर इसका वर्गमूल माइनस 1 होगा तो मैं माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आना चाहिए? माइनस 1 ही तो आना चाहिए। अगर इस संख्या का वर्गमूल ये है तो इसका वर्ग ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैंने अगर इसका स्क्वायर किया तो -1 × -1 ये तो +1 आता है सर। क्या आता है बच्चों? +1 आता है। तो लेकिन मैंने स्क्वायर रूट किसका निकाला है? -1 का। तो इसका स्क्वायर करूं तो क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो अगर मैं माइनस की संख्या का वर्गमूल निकालूं, अगर आप कहोगे कि सर प्लस का वर्ग होगा, मैं प्लस का वर्ग ले लेता हूं, इस बार मैंने प्लस का 1 ले लिया, रूट में -1 का वर्गमूल +1 ले लिया। अब अगर मैं +1 का स्क्वायर करूं तो क्या आता है? +1 ही आता है। आता है कि नहीं आता है? लेकिन आना क्या चाहिए? -1 आना चाहिए ना। अगर -1 का स्क्वायर रूट -1 है, वर्गमूल -1 है, तो -1 का वर्ग -1 होना चाहिए, जो कि नहीं होता। अगर -1 का वर्गमूल +1 है तो +1 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, जो कि नहीं होता। क्लियर है बच्चों? तो इसलिए मैं आपसे कहा कि ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस की होती हैं, रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं माइनस की होती हैं, उन संख्याओं की कोई वैल्यू नहीं होती, उनका कोई निश्चित मान नहीं होता। अर्थात ऐसी संख्याओं को भी हम इमेजिनरी संख्याएं यानी काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो इन संख्याओं को हम पढ़ते नहीं हैं। कल क्लास में थोड़ा सा जिक्र है इनका, हमें ये संख्याएं बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। मैंने आपको समझा दिया संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो भिन्नात्मक हो, चाहे वो अंडर रूट के अंदर हो, चाहे वो पॉइंट में हो, किसी भी प्रकार से संख्या हमारे सामने लिखी है, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है काल्पनिक, तो मैंने बता दिया अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस की है तो वो संख्या काल्पनिक संख्या है, उसका कोई भी निश्चित मान नहीं होता। जैसे मैं उदाहरण आपको दे दूं, माइनस के 2 है रूट के अंदर, कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है।
रूट के अंदर माइनस चार कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। रूट के अंदर माइनस सात कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। तो कहने का मतलब बच्चों सिर्फ इतना सा है कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस की आती है, चाहे वो पूर्णांक हो या ना हो, वो संख्या कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होगी, वो हमेशा काल्पनिक संख्या होगी। तो काल्पनिक और वास्तविक में आपको फर्क समझ में आ गया। संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब मैं आपको आगे सिखाता हूँ, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। यहां से हम काल्पनिक संख्याओं को बिल्कुल गलत कर देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं को, कि वास्तविक संख्याओं के कितने टाइप्स होते हैं। तो वास्तविक संख्याएं भी बच्चों अपने आप में दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय को हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और अपरिमेय को कहते हैं बच्चों इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्या क्या होती हैं? तो वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कैसे भी लिखें लेकिन लिख सकते हैं। आसानी से लिख पाए या मुश्किल से लिख पाए लेकिन उसको लिखना संभव है। P upon Q मतलब एक फ्रैक्शन की फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें हम P upon Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याएं p अपॉन q की फॉर्म में किन संख्याओं को लिख सकते हैं, किन को नहीं लिख सकते, ये परिभाषाएं तो आपने मैथ में भी पढ़ रखी होगी। चलिए तो हमने गणित में भी पढ़ा है कि p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है, जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वे अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन किन संख्याओं को हम लिख सकते हैं, किन को नहीं लिख सकते, इसका मतलब समझ में नहीं आता, तो बस बच्चों वही समझाने वाला हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा आपसे तीन बटे दो, ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर है बच्चों? 2.5 इसको मैं लिख सकता हूं 5/2, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? अच्छा बच्चों मैं बात करूं 7, तो इसको मैं 7/1 लिख सकता हूं, p अपॉन q की फॉर्म हो गई, परिमेय संख्या है। मैं बात करूं -8, तो मैं -8/1 लिख सकता हूं, p अपॉन q की फॉर्म हो गई। क्लियर है? तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। कैसी संख्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? सर इस प्रकार से तो हम सब संख्याओं को लिख सकते हैं, इस प्रकार से तो हम सब संख्याओं को लिख सकते हैं। तो जो मैं आपको बताता हूं कि किन संख्याओं को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और किन संख्याओं को p अपॉन q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान से पढ़ना। आपने दशमलव प्रचार पढ़ा होगा, अपने वाली चीज बच्चों ये है कि दशमलव प्रचार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दशमलव 2, 3, 4, 5 अंकों के बाद समाप्त हो जाए,
दशमलव कहलाता है। तो ये शांत दशमलव वाले तो सभी संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय होती हैं। कैसी होती हैं? परिमेय। 2.48 मैंने लिख दिया, ये परिमेय है। 7.32987 मैंने लिख दिया, ये परिमेय है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉइंट की और संख्या खत्म हो गई है तो वो परिमेय। लेकिन अशांत में दो कंडीशन बनती हैं, या तो दशमलव प्रसार संतत अशांत होगा या असंतत अशांत होगा, या तो संतत अशांत होगा या असंतत अशांत होगा। अब ये संतत अशांत क्या होता है सर? तो संतत अशांत होता है कि अंक हर बार रिपीट हो, जैसे 1.333 डॉट डॉट, या 7.23 डॉट डॉट, या 6.929292 डॉट डॉट डॉट, या 0.123123123 आगे भी ऐसे। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर मैंने देखा ये 333 रिपीट हो रहा है, यहाँ 23 23 23, 9 2 9 2 9 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि हर बार डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट, बेशक दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन हर बार आने वाले डिजिट समान आ रहे हैं, वही अंक हर बार आ रहे हैं, कोई नया डिजिट सामने नहीं आ रहा। तो ये सभी संख्याएं संतत अशांत संख्या कहलाती हैं, संतत अशांत दशमलव संख्या कहलाती हैं। अब असंतत अशांत कौन सी होती है सर? तो असंतत अशांत होती है जैसे 3.721973289024019 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या है बच्चों, देखो 721973, यहाँ 7 के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, संख्या रिपीट नहीं हो रही। आगे 28902409, यानी कि कोई भी डिजिट कहीं तक भी आप देख लो, कहीं से भी रिपीट नहीं हो रहा, ना 2 अंकों के बाद, ना 4 अंकों के बाद, ना 6 अंकों के बाद, ना 7 अंकों के बाद, ना 10 अंकों के बाद, संख्या का दशमलव प्रसार बढ़ता ही जा रहा है, अशांत है और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये संख्या है बच्चों, कैसी संख्या है? ये असंतत अशांत दशमलव संख्या है। और भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 7.20730980400073829 और आगे भी डॉट डॉट डॉट, ऐसे कंटिन्यू जा रहा है। तो बच्चे यहाँ भी आपने देखा कि यहाँ भी कोई डिजिट हर बार दोहराया नहीं जा रहा, न तो कोई एक अंक, न दो अंक, न चार अंक, न छह अंक। तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। अब अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, संतत अशांत और असंतत अशांत। अब संतत कौन सा होता है? जिसमें अंक रिपीट हो। असंतत कौन सा होता है? जिसमें अंक रिपीट ना हो, क्लियर है, और खत्म नहीं हो। असंतत का मतलब यही है, अशांत का मतलब यही है कि दशमलव प्रसार खत्म ना हो। अगर अंक रिपीट होते हैं उसका नाम है संतत, रिपीट नहीं होते उसका नाम है असंतत। ये रिपीटिंग और ये नॉन रिपीटिंग, क्लियर है। तो अब बात ये आती है, हम तो परिमेय परिमेय पढ़ रहे थे कि इसमें से परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है। तो मैं बात करूं तो ये परिमेय संख्या, ये जो अशांत दशमलव वाली संख्या है ये सारी परिमेय होती है, और ये संतत अशांत दशमलव संख्याएं हैं ये भी बच्चों परिमेय होती हैं। ये सब भी क्या होती हैं? परिमेय। ये सभी भी परिमेय संख्या होती हैं। संतत अशांत वाली संख्याएं पॉइंट के बाद अगर अंक रिपीट हो रहे हैं, चाहे एक अंक रिपीट हो, चाहे दो अंक बार बार रिपीट हो, या तीन अंक रिपीट हो, या छह अंक रिपीट हो, लेकिन वही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वे संख्याएं संतत अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं और वे संख्याएं परिमेय होती हैं। यानी इन संख्याओं को हम p / q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जिन संख्याओं का कोई अंत ही नहीं है उन संख्याओं को हम p / q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो असंतत अशांत दशमलव जो संख्या होती है वो होती है अपरिमेय।
वो होती हैं अपरिमेय। अब आपको अलग से क्या याद रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, और पाई के जो वैल्यू होते हैं 22/7, 3.14, ये क्या होते हैं बच्चों, ये परिमेय होते हैं। अब आपको डाउट होगा सर पाई के वैल्यू 22/7, 3.14 ये परिमेय होते हैं और पाई क्यों परिमेय होती है, मान तो इनका बराबर होता है। बात आपकी सही है, लेकिन ये 22/7 ये p / q की फॉर्म में लिखा है, ये अपॉन q की फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये परिमेय है। और ये 3.14 ये देखो शांत दशमलव में लिख के दिया है हमें, हालांकि 3.14 इसका शुद्ध मान नहीं है, आप जानते हैं मैंने आपको निकाल के बताया था 22/7 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो बढ़ता ही जाएगा, खत्म होने वाला नहीं है, क्लियर है। तो ये 3.14 जो हमसे पूछा गया है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये तो इसको हम परिमेय संख्या के यानी p / q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये शांत दशमलव में दिया गया है, शांत करके दिया गया है ना 3.14, इसके आगे कुछ भी नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि ये तो परिमेय संख्या है, इसको हम p / q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई की बात करें तो पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान इतना बड़ा है बच्चों, पॉइंट के बाद 70-80 हजार डिजिटों तक चलता ही रहता है, इतना बड़ा है, क्लियर है। तो इसका वैल्यू हम फिक्स नहीं कर सकते, अर्थात ये इस श्रेणी में आता है, असंतत अशांत श्रेणी में आता है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय राशि है, पाई की राशि क्या है, अपरिमेय है, इरेशनल है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आसानी से समझ में आ रहा होगा परिमेय और अपरिमेय का चक्कर क्या होता है, क्लियर है। दशमलव प्रश्न दो प्रकार के, शांत और अशांत। शांत वाली सारी संख्या परिमेय होती है, अशांत में जो संतत वाली शांत होती है रिपीट होने वाले वो सब परिमेय हैं, और जो रिपीट नहीं होते खत्म भी नहीं होते वो सब अपरिमेय, क्लियर है। पाई को आपको अलग से याद रखना है, पाई एक अपरिमेय राशि है, क्लियर है बच्चों। तो चलिए अब मैं आपको सिखाने वाला हूं सम संख्या, आप लोग जानते हो सम संख्या यानी इवन नंबर्स, सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, दो से पूर्णतः विभाज्य हो, अर्थात जिनका इकाई अंक जीरो दो चार छः या आठ हो, यानी वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती हैं, इवन नंबर्स कहलाती हैं, या वे संख्याएं जिनका इकाई अंक जीरो दो चार छः या आठ हो वे संख्याएं भी सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 24 यूनिट प्लेस पर 4 है तो सम संख्या है, 38 यूनिट प्लेस पर 8 है तो सम संख्या है, 244 सम संख्या है, मैंने लिख दिया 102486 यूनिट प्लेस पर 6 है यानी सम संख्या है, क्लियर है। कितनी भी बड़ी संख्या हो बच्चों मुझे सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक लेना है, और इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, इनमें से कोई एक होता है तो वो सम संख्या होती है, क्लियर है। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की, विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होती हैं, तो ऑड नंबर्स बच्चों होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो, पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, अर्थात दूसरे प्रकार से हम इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, जिनका इकाई अंक, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक
तीन, पांच, सात या नौ हो। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक एक, तीन, पांच, सात या नौ हो। जैसे मैंने 157 लास्ट में सात आता है, कैसी संख्या है? विषम है। मैंने लिखा तीन, सात, पांच, नौ, सात, तीन, एक। इतनी बड़ी संख्या है, मुझे पता करना है सम या विषम। मुझे धोखा भाग नहीं करना, मुझे अंतिम डिजिट देखना है। अंतिम डिजिट एक, तीन, पांच, सात या नौ है तो विषम संख्या है। क्लियर है बच्चों? अगर लास्ट वाला डिजिट सम संख्या है, दो से विभाज्य है या जीरो है तो सम संख्या। अगर लास्ट वाला डिजिट दो से विभाज्य नहीं है तो विषम संख्या है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये सम विषम संख्या है तो हम जानते हैं, आप इनको क्यों बता रहे हो? तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा है, इस पूरे लेक्चर का निचोड़ मैं आपको बाद में दूंगा, लास्ट में बताऊंगा कि ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं, मैंने आपका इतना टाइम क्यों लिया। क्लियर है बच्चों? तो चलिए मैं आगे आपको बता देता हूं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं हैं जो हमें प्रकृति ने दी हैं। प्रकृति का मतलब है दोस्तों कि हम इस दुनिया में दुनिया में जितनी भी संख्याओं को गिनने में यूज करते हैं। मैं आपसे कहूं कि आपको कुछ वस्तुएं हैं वो गिननी हैं, या गिन के बताओ मुझे कितने कमरे हैं इस बिल्डिंग में। आपको गिन के बताने हैं कि कितने कमरे हैं, तो आप गिनना स्टार्ट करोगे कहां से? स्टार्ट करोगे वन से स्टार्ट करोगे, एक से। तो जो भी संख्याएं गिनती में प्रयोग की जाती हैं, गिनती में प्रयोग की जाने वाली, गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या, सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्लियर? जैसे कि एक है, दो है, तीन है, डॉट सौ है, एक हजार है, एक हजार पंद्रह है, डॉट इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या, एक से शुरू करके आप जितने तक गिनती पढ़ सकते हो वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सब पूर्ण संख्या होती है, लेकिन इसमें जीरो को और ऐड कर लिया जाता है, क्योंकि बिना जीरो के ये संख्याएं कैसी हैं? अधूरी हैं। बिना जीरो के ये संख्याएं अधूरी हैं, और ये समझ लो कि जीरो के मिला लेने से संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। क्लियर है बच्चों? तो इनफाइनाइट तक, ठीक है? प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट करके जहां तक हम गिन सकते हैं वो सारी संख्याएं, एक, दो, तीन, चार, सौ, दो सौ, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, जितने तक हम गिन सकते हैं इनफाइनाइट अनगिनत तक, वो सब संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। और पूर्ण संख्याएं, तो अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ, यहां से यहां तक ये पर प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके साथ जीरो को और इंक्लूड कर लें, जोड़ लें, तो ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती है क्या? नहीं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सब तो पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, लेकिन ये जीरो जो है ना, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं ये सही है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है ये गलत है। क्लियर है? ट्रू फॉल्स में आपको आ सकता है, मैंने बता दिया, कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको सिखाता हूं
कि मैंने ये संख्या आपको बताई हूँ। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और भी कर सकते हैं, जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो एक है, सबसे बड़ी तो कोई बता ही नहीं सकता, अपरभाषित अनंत है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो वो जीरो। क्लियर है? तो चलिए अब मैं आपको सिखाने वाला हूं
और मिश्रित भिन्न होती हैं जो पूर्णांक तथा भिन्न का मिश्रण हो। पूर्णांक और भिन्न का मिश्रण हो, एक पूर्णांक और एक भिन्न का मिश्रण हो। जैसे मैंने लिखा 3/7, तो इसमें मैंने लिखा हर बड़ा है, अंश 3 है और हर 7 है, तो हर बड़ा है, हर बड़ा है तो उचित भिन्न है ये। मैंने लिखा 11/8, इसमें मैंने देखा इसका हर बड़ा है, अंश छोटा है, और हर बड़ा है, जिनका अंश बड़ा हो, अंश बड़ा है तो ये कैसे भिन्न है? अनुचित भिन्न है। अब मिश्रित भिन्न कैसी होती है? जैसे मैंने लिखा 3 सही 1/2, तो इसका मतलब बच्चों ये है कि 3 + 1/2, ये 3 तो पूरे हैं, ये 1/2 ये अधूरी भिन्न है, तो ये एक पूर्णांक और एक भिन्न को मिला के बना है, इसलिए इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। क्लियर है? तो जैसे मैंने लिखा 7 सही 3/8, ये कैसी भिन्न है? ये मिश्रित। उम्मीद करता हूं बच्चों आसानी से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो आज यहीं पे अपना सेशन खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों सेशन आसानी से पसंद आया होगा। इन चीजों के बारे में कल आपको मैं डिस्कस करूंगा, कल समझाऊंगा कि मैंने इतना सारा डेटा आपको क्यों समझाया है। जो समझदार बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये क्यों समझाया गया है, बाकी जो नहीं समझ पाया उनको मैं कल फिर से एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि ये चीजें मैंने क्यों कराई। इन चीजों से आपको आपके मैथ्स में क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, आप इनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। जो बच्चे समझ गए हैं वो समझ गए हैं, जो नहीं समझ पाए उनको मैं कल फिर से समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, सेशन को लाइक करें और अपने जो भी दोस्त हैं, अपने जो भी साथ के पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करें मेरी वीडियो को और उनको भी दिखाएं। क्लियर है?